हेलो एंड वेलकम टू इकोहॉलिक्स। इस वीडियो में हम समझेंगे हेक्शर-ओलिन थ्योरी और प्रिंसिपल क्या होता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो कंट्रीज ट्रेड करती हैं उनको हेक्शर-ओलिन के अकॉर्डिंग वो फैक्टर एंडाउमेंट पे बेस करती हैं। फैक्टर एंडाउमेंट का हिंदी में मतलब है जो कंट्री जिस भी चीज़ में एक्सपर्ट है, जैसे इंडिया के पास बहुत अमाउंट में लेबर है तो लेबर फोर्स की लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी इंडिया यूज़ करता है जो भी गुड्स प्रोड्यूस करते हैं। ऐसे ही यूएस के लिए अगर आप देखें तो वहां पे लोग कम है पर कैपिटल ज्यादा है तो कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्ट्स ही वो लोग प्रोड्यूस करते हैं। फिर इंडिया जो लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट्स है उनको एक्सपोर्ट करता है, यूएसए कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करता है और आपस में ट्रेड होता है। तो ये जितना भी ट्रेड होता है वो फैक्टर एंडाउमेंट के बेसिस पर होता है। जो फैक्टर एंडाउमेंट मतलब कौन सी कंट्री किस चीज में एक्सपर्ट है, जैसे ह्यूमन रिसोर्स में या फिर नेचुरल रिसोर्स में। लाइक मिडिल ईस्ट में जो कंट्रीज हैं वो पेट्रोलियम में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू है उनके लिए और इकोनॉमी को चलाने के लिए, तो एक नेचुरल रिसोर्स है। इंडिया लेबर यूज करता है तो लेबर इंटेंसिव है। तो इस तरह के जो रिसोर्सेज है हेक्शर-ओलिन कहते हैं कि इसी वजह से कंट्रीज इंगेज करती हैं ट्रेड में। इसके पहले की कुछ थ्योरीज थी जैसे रिकार्डो ने दिया था जो कि कंपेरेटिव एडवांटेज थ्योरी थी, फिर उसके बाद हैबलर की थ्योरी आई जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पर बेस्ड थी, बट हेक्शर-ओलिन थ्योरी इन दोनों थ्योरी की इंप्रूवमेंट है, इसलिए हम इसको मॉडर्न थ्योरी ऑफ एंडाउमेंट भी कहते हैं और मॉडर्न थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड भी कहते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें जो एक्सटेंशन दिया है हेक्शर-ओलिन ने, जो थ्योरी दिया था वो हेक्शर ने 1919 में दिया था, उनके स्टूडेंट ओलिन ने 1933 में इसमें कुछ एडिशंस किए थे। उसके बाद पॉल सैमुअलसन ने फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरम दिया जो इसका भी एक एक्सटेंशन था। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।